हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए हम आपको इस हल्दी की बारे में कुछ बताने जा रही हूँ कि इस हल्दी की जो सारी विटामिन्स है वो आपको पौधे पर किस तरह से इसका रिस्पांस चुका पाएगा, ये हल्दी अपना उस पर रिस्पांस चुका पाएगा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको आज बताने जा रही हूँ अपनी वीडियो पर। इस हल्दी पाउडर जो है आप सभी के घरों में मौजूद मिलेगी, लेकिन इस तरह के हल्दी जो आप अगर मार्केट से लाते हो तो इसमें आपको केमिकल मौजूद मिलती है। कि और यदि ये हल्दी पाउडर जो है दोस्तों, ये आप यदि घर पे जैसे गोटे हल्दी जैसे आप खेत में या बाड़ी में कहीं पर भी लगाते हो उस तरह से ये बहुत ही अच्छे मतलब कि हल्दी होते हैं। उस हल्दी को गांठ को आप उसको यदि पीस कर बनाते हो पाउडर, उसमें इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, इतने सारे विटामिन मौजूद होते हैं, वो पौधे के जड़ की तरफ जाते ही वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो आप यदि आपकी घरों में अगर हल्दी गांठ का हल्दी नहीं है तो आप अपने घरों में किचन वेस्ट जैसे किचन में हमारी हर घर में मौजूद इस तरह से आपको हल्दी का पाउडर मिल जाएगी। तो इस हल्दी के पाउडर आपको पौधे पर किस तरह से डालनी है तो मैं आपको अपनी वीडियो पर मैंने आपको बताने जा रही हूँ कि इस तरह से ये हमारे हल्दी का पाउडर है। और ये देखिए, ये हमारे जो है ना सो कोयले का जो चूर्ण होते हैं वो हमारे मोटे लकड़ी का चूर्ण, ये अच्छे से जले नहीं है पर मैंने इसको चाल कर अलग निकाल दी है। तो चलिए मैं आपको इस एक कटोरी ले रही हूँ, इसमें आपको क्या करना है कि एक चम्मच ये जो है ये जो हमारे लकड़ी का जो छाई जो हम लोग बोलते हैं उसको ले ली हूँ। तो दोस्तों मैंने इस तरह से छाई ले लिया है। अब इसको क्या करना है, ये हमारे हल्दी पाउडर है इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेनी है, क्योंकि इसको आप छिड़काव करते हो तो ये बहुत ही अच्छा रिस्पांस इसको मिलेगी। ये देखिए मैंने इसमें हाफ टी स्पून मिलाई हूँ और ये देखिए इस तरह से ये भर भरे हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बताया है इसको छिड़काव करने के लिए, ये अच्छी तरह से आप इसको छिड़काव कर सकते हो। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो हल्दी पाउडर है वो आपको बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। और इसका जो आप कटिंग लगाते हो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आप यदि कटिंग लेते हो तो इसको क्या करना है, आप यदि पौधे को ग्रो करते हो तो इसको क्या करना है, इसको हल्का पानी में इस तरह से भींगा लेना है। और भींगाने के बाद इस तरह से आप इस डंटे को एकदम हल्दी पाउडर में इस तरह से आप घुमा दीजिए, क्योंकि इसमें सारी एलिमेंट्स लग चुके हैं, ये पौधे में कीड़े फंगस इत्यादि लगने से ये रोकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये हमारी हल्दी का जो पाउडर है इसको क्या करना है कि आपको इस कटिंग को आपको किस तरह से ग्रो करवाना है। तो चलिए मैं आपको इस तरह से खाली ले ली हूँ एक कटोरी, उसमें क्या करना है, हल्दी पाउडर थोड़ा डाल देना है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा हल्की पानी डालती हूँ हल्दी, इस तरह से आपको पेस्ट बना लेना है, क्योंकि ये पेस्ट ही बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं, काम करते हैं। ये हल्दी का पेस्ट जो है वो आपको बहुत ही अच्छे ये सारे एलिमेंट्स पौधे को जड़ को पौधे के कीटाणु को वो दूर भगाने के काम में आते हैं। इस तरह से मैं आपको लगा दी हूँ। अब इसको क्या करना है, ये जो आप कट किया है दोस्तों तो इसमें ये सारे एलिमेंट्स को क्या कर, ये सारे पौधे की जो कटिंग है वो आपको इसमें डुबा लेना है। और डुबाने के बाद ये देखिए इस तरह से मैं इस पर एक लेयर चढ़ा दे रही हूँ। इस तरह से आप यदि चढ़ाते हो तो ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे और इसके जो कटिंग है वो आपको यहाँ से निकल आएगी, इस तरह से निकल आएगी दोस्तों। तो आप इस तरह से आप पौधे को लगाएं। और चलिए जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने हल्दी पाउडर को इस तरह से यूज किया है, ये हमारे पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब इस पौधे को देखिए मैंने कट किया है, जैसे कि यहाँ कट मैंने कर दी है। अब इसको क्या करना है, इस पर भी आप इस तरह से देखिए, मैंने हल्दी ली हूँ और हल्दी का एक लेयर लगाती हूँ तो इसके क्या होगा, ये साइड से आपको बहुत ही अच्छे पौधे ग्रो कर निकलेंगे। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से इनके ग्रो किया है। और ये देखिए मैं आपको लगाकर दिखाई हूँ, आप भी इस तरह से पौधे को लगाइए। और जब ये मिट्टी देखिए, जैसे कि इनकी पौधे की मिट्टी इस तरह से सूखी हुई है, बिल्कुल ये भरभरा टाइप पर है, तो इसको क्या करना है, आपको मैं आप दिखा रही हूँ कि इसमें आप
इस तरह से मैंने इसमें लगा दी हूँ हल्दी। अब ये क्या होगा, पौधे को बढ़ने या उसे रोकेगा नहीं, और इसकी बहुत ही अच्छी रिस्पांस आपको मिलेगी। इस तरह से पौधे का रिस्पांस आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये जो हमारे मिट्टी है वो बहुत ही अधिक सूख जाती है, ये बिल्कुल ड्राई नहीं होती है, और ये इसमें बहुत सारे फंगस लग जाते हैं। आपको करना क्या है कि इस तरह से आपको मिट्टी को खुदाई कर लेना है। चलिए मैं आपको खुदाई कर दिखाती हूँ कि आप पौधे को किस तरह से खुदाई कर लेते हो। और खुदाई करने के बाद आपको क्या करना है कि ये हमारे जो हल्दी पाउडर है वो आपको इस तरह से पौधे में साइड साइड मिट्टी में आपको ड्राई मिट्टी में डाल देनी है। इससे क्या होगा कि ये पौधे की सारी कीटाणुएँ मर जाएंगी, और सारी इसका मतलब कि जो ये सारी कीटाणु इसमें लगे रहते हैं, फंगस लगे रहते हैं, वो आपको मर जाएगी। और चलिए मैं आपको दूसरी उपाय बताती हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने देखी इस तरह से मैंने 1 लीटर पानी लिया है, अब इसमें आपको हल्दी पाउडर का लिक्विड बनाना है। तो ये हमारे हल्दी है जो देखिए मैं आपको इस हल्दी के बारे में बता रही थी। तो इसमें आपको क्या करना है, 1 चम्मच आपको घोल लगाना है। तो चलिए मैं आपको घोल लगा कर दिखाती हूँ कि इस तरह से आप घोल कैसे लगाते हो। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको लिक्विड तैयार कर दी है। अब इसको में आपको क्या डालना है, तो ये हमारे पास देखिए विनेगर है जो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको क्या करना है, इसको डालना है इसमें 2 ढक्कन। तो देखिए मैं इस तरह से आपको ढालकर दिखाती हूँ। ये हमारे ढक्कन है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ ढालकर, देखिए मैंने 1 ढक्कन डाल रही हूँ। फिर देखिए ये हमारे दूसरे ढक्कन है, मैं इसमें पूरे डाल दे रही हूँ। अब इसको क्या करना है, आपको अच्छी तरह से घोल लगा लेना है। अब आपको क्या करना है कि आप तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें मैंने 1 लीटर भर दी है पानी, और इसमें देखिए मैंने और भी है सुसारा, इसमें मैंने डाल दे रही हूँ हल्दी वाला लिक्विड। तो दोस्तों मैंने इस तरह से देखिए इसमें मैंने ऑलरेडी भर दी हूँ ये बोतल में, और आपको इससे क्या करना है कि इसको स्प्रे करना है इस तरह से करके। और ये मिट्टी मैंने इस गमले में मैंने हल्दी डाली हूँ जो इस तरह से इसमें मिक्स करके रखी हूँ। यदि आपकी चींटी आती है दोस्तों तो इसको आपको क्या करना है, डालकर थोड़े थोड़े आप क्या करना है इसको मिला दी। इस तरह से मिलाने से क्या होगा कि आपके ड्राई मिट्टी में चींटी नहीं लगेगी, और ये बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलेगी, और चींटियाँ वो अपने जगह को बदलकर वो भाग जाएगी दोस्तों। तो इस तरह का जानकारी आपको कैसा लगा, मेरा वीडियो यदि पसंद आया तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।